अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए नुस्खे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है छींकें आना या एलर्जी होना। नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे नाज़रीन हैं जो इस तकलीफ़ में मुब्तला हैं कि उनको कसरत से छींकें आती हैं, थोड़ी सी हवा लगती है तो उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं और वो भी मुसलसल आती हैं। किसी दवाई से भी वो नहीं हटती, किसी भी टोटके से वो ख़त्म नहीं होती। तो ये दरअसल उजलाती आसाबी मिजाज के अंदर ये मसला आता है, तो उसके लिए बहुत एक आसान सा नुस्खा है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वो नुस्खा आप नोट कर लीजिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मेरी वीडियो से आप रोज़ाना मुस्तफीद हो सकें। तो नाज़रीन, इसमें एक है सत मुलठी, दूसरी चीज़ है सुहागा ब्रियां, यानी सुहागे को आपने इसको तवे पे रख के उसको आपने थोड़ा सा गर्म करके उसको फ्राई करना है, और दालचीनी, लौंग और कड़ा सिंगी और मुलठी, ये तमाम चीज़ें आपने बराबर वज़न लेनी है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई नुस्खा बनाते हैं तो नुस्खा बनाने के लिए ये लाजमी है कि जो चीज़ से आप नुस्खा बना रहे हैं वो खालिस हो। अगर चीज़ खालिस नहीं है तो उस नुस्खे का आपको ज़र्रे बराबर भी कोई भी असर नहीं होगा। फिर आप ये कहेंगे कि हकीम साहब ने जो है वो गलत बयान किया था, इस वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दरअसल आपने जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल की, आपने जो चीज़ें इसमें लगाई थी, वो सारी दो नंबर थी, जिसकी वजह से दवाई ने काम नहीं किया और बदनामी जो है वो हकीम की हुई। तो इसमें आप चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें, जिससे भी चीज़ लें उसको आप पूरे एतमाद से लें कि वाकईतन इसके पास चीज़ अच्छी है और वो आपको चीज़ अच्छी दे रहा है। तो ये चीज़ें आपने वज़न बराबर वज़न में ले लेनी है। इसको बारीक सफ़ू बना के आपने दो तोले शहद इसमें मिला के आपने चन्ने के बराबर इसकी आपने गोलियां बना लेनी है। तो सुबह, दोपहर, शाम जो है आपने एक एक गोली लेनी है एक कावे के साथ। वो कावा कौन सा है? उसमें आप शामिल करें अदरक, अजवाइन और तेज़पात। तो इसका कावा बना के इसके साथ इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से फौरी तौर पर आपकी जो है वो छींकें बंद हो जाएंगी, एलर्जी जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसको हमने आज़माया है, आप भी इसको आज़माएं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह आप मेरी जो है ना वीडियोस आती रहती हैं, आप इसको लाइक कर भी करें, इसको आगे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं। ये अल्लाह के फजल करम से हम जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं, आप भी इसके अंदर अगर हिस्सा मिलाएंगे तो आपके लिए भी ये सदका जारिया बन जाएगा, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।